हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक तो so, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि क्या शेयर करने वाली हूँ कि आज हम लोग गए शॉपिंग करने अच्छा ऐसा है हमारे ग्रुप में किसी एक को शॉपिंग करना था हम लोग बस ऐसे ही चले गए ये सुबह सुबह मैं अपनी ड्यूटी पे आके अपनी ड्यूटी अंजाम दे गए और कारनामे अंजाम दे के और फिर जब हम लोग वहाँ से निकले तब हम गए हमारे ग्रुप में किसी एक को बस शॉपिंग करना था बाकी हम सब ऐसे ही चले गए बस विंडो शॉपिंग करने पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी बहुत पछता गए कि क्यों हमने भी शॉपिंग नहीं की सो ये हम लोग काम ख़त्म करके निकले ही थे और ये सब आप लोगों को हाई बोल रहे हैं आप भी हाई बोल रहे हैं हेलो <laughs> और और क्या और मैं और बहुत बोलती हूँ आप लोग बस सुन लें और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़रूर लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें अच्छा हम लोग सबसे पहले ओरिएंट गए अच्छा हम लोग ना फैक्ट्री आउटलेट गए हम लोग किसी मॉल किसी बाज़ार ऐसे नहीं गए हम लोगों को फैक्ट्री आउटलेट जाना था सो सबसे पहले हम लोग जो है ओरिएंट के फैक्ट्री आउटलेट पे गए तो वहाँ पे कुसे भी अच्छे खासे थे पर इतने कुछ खास नहीं थे और कपड़ों की वेराइटी इतनी कोई खास नहीं थी सो हम लोगों ने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया हम लोगों को तो वैसे ही नहीं लेना था और प्राइस बहुत हाई थे Uh, हम लोग को तो वैसे ही नहीं लेना था तीन बंदों को सिर्फ एक को लेना था सो so, हम लोग बस इन्हें कंपनी दे, देने गए थे और ये वाइट वाली शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी बहुत एक्सपेंसिव थी स्टिच थी और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए क्योंकि हमें वहाँ से कुछ भी ऐसा कुछ खास पसंद ही नहीं आया सो so, हम लोग वहाँ से निकल आए और ये मेरी प्यारी सी दोस्त है ये बस हर चीज़ कुलीग भी है दोस्त भी है हर बस शॉपिंग करने जाती है बस ऐसे उठाती है ऐसे जल्दी 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 अगर हम एक जोड़ा ले रहे हैं दो घंटे तीन घंटे में पसंद करके तो उस दौरान इसने दस ने बार दस से बारह जोड़े ले लेने हैं। बस ये ऐसी है और फिर हम लोग जो है आए आइडियाज़ के फैक्ट्री आउटलेट अच्छा जो बंद था फिर हमने इसे भेजा कि जाओ मालूम करो तो ये ब्ला 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 सुना रही है हमें कि किस तरह से किस वजह से ये बंद है और हमें बताया कि किस तरफ है दूसरा आउटलेट हमारा फैक्ट्री आउटलेट तो हम लोग उस तरफ गए ये बिल्कुल आइडियाज़ वालों की कंपनी थी यहाँ पे फैक्ट्री थी यहाँ पे कपड़े बनते हैं इनके फाइनल हम लोगों ने दो तीन लोगों से पूछा और उसके बाद हमें जाके मालूम पड़ा कि कहाँ पे हम लोग बहुत घूमे पूरी कराची घूमे फिर जाके हमें अच्छा ये आइडियाज़ गुल अहमद का मिला हमें तो हम लोग फिर यहाँ गए और यहाँ भी कोई ख़ास सेल तो थी नहीं अच्छा यहाँ से अलबत्त एक शर्ट ही ली थी जो हमारे साथ थी हमारी कुलीग हमारी डॉक्टर तो उन्हें एक शर्ट पसंद आई थी आ, सो बस उन्होंने वो ली अच्छा वो वही शर्ट जो है कुछ अरसे पहले हम लोग गए थे तो हमें सेवन फिफ्टी समथिंग में मिली थी ऐसा कुछ ना ये ये जो आप स्काई ब्लू देख रहे हैं ना ये वाली शर्ट की मैं बात कर रही हूँ अच्छा इन्होंने जो अभी देखी है इन्होंने अभी ली है ट्वेंटी वन हंड्रेड में इनको ट्वेंटी सॉरी थ्री हंड्रेड में इनको टू पीस मिली है ट्राउजर भी साथ में मिला है तो हमें तो सिर्फ सेवन फिफ्टी में बहुत अच्छा मिल गया था हम लोग सेल ढूंढते हैं सब तीनों मिलके और हमेशा सेल जब लगती तो हम जाते हैं ये देखें इतना प्यारा लग रहा है ये आउटलेट आ, लेकिन इसमें सेल यहाँ पे कुछ भी नहीं था अच्छा उसके बाद हम लोग अलकरम आ गए थे तो अलकरम में बहुत सार बहुत 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 बहुत, बहुत अच्छी अच्छी जो है सेल लगी हुई थी सो यहाँ से भी हम लोग फ्री हो के फार हो के फिर निकले हैं आ, अलकरम की तरफ अच्छा फिर ढूंढ़ ढूंढ़ के हमें अलकरम मिला ये देखें बस एक ही शर्ट ली है यहाँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं फिर हम लोग पहुँचे हैं फाइनली अलकरम और यहाँ परफ्यूम्स थी किसी एक की स्मेल भी कसम से बिल्कुल अच्छी नहीं थी बहुत अजीब सी शरबती शरबती स्मेल थी सब की अलबा बहरल कपड़ों की बहुत अच्छी सेल थी यहाँ पे लेकिन मैंने एक भी नहीं ली ये मैं आपको जितनी दिखा रही हूँ ना ये सारी सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी शर्ट है और कुछ जो है एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड अच्छा ये मेरी दोस्त ने ये पसंद किया लेकिन लिया नहीं हमने उसे लेने नहीं दिया कि आज हम आपको जो है ऐसे ही लेने नहीं देंगे कि आप ऐसे ही उठाती जाएं उठाती जाएं तो बस उसे हमने लेने नहीं दिया फिर भी उसने दो आई थिंक दो तीन उसने ले ली थी और बस ये हमने शॉपिंग की और फिर मैं घर पहुंच गई अच्छा घर पहुंच के मुझे मम्मी ने बहुत डांटा फिर हम मैंने जो है अम्मी को मस्के लगाने के लिए ये कढ़ाई गोश्त तैयार किया अच्छा बहुत थक गई मैं बोल बोल के अच्छा मैंने ये आ, सालन तैयार किया कढ़ाई गोश्त का आप लोग पता नहीं किस तरह से बनाते मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ और आ, मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पहले मैं जो है चिकन फ्राई करके उसमें आ, चिली फ्लेक्स अदरक लहसुन और थोड़ी सी हल्दी आ, डाल के उन्हें बहुत अच्छे तरीके से भून के और फ्राई करके फिर चिकन निकाल लेती हूँ और एक तरफ मैंने जो है टमाटर लेंट करने लग, रखे थे चार से पाँच और ये देखिए मैं चिकन निकाल रही हूँ अच्छा चिकन ना बहुत सौगी सौगी हो जाते हैं अगर आप उन्हीं में चिकन में ही फिर वो टमाटर पेस्ट डालें और प्यूरी में वो पकता रहे तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है या तो फिर आप पूरे पूरे टमाटर डालें नहीं तो फिर आप प्यूरी अलग से बनाएं और चिकन अलग फ्राई करें तो मुझे इस ये मेरा अंदाज है आप लोगों का मुझे नहीं पता ठीक है उस में भी आपको ये पसंद आए सो यहाँ मेरा बेटा भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा था नकली नकली में <laughs> लेकिन मैंने फिर उसे मना कर दिया कि बेटा नहीं करो आपके हाथ में लग जाएगी और ये मेरी प्यारी सी बेटी जो पूरे दिन मेरा बहुत इसने वेट किया और ये मेरी अम्मी कल की तैयारी करी थी कल मटर आलू बने थे और मेरी अम्मी अभी से तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी उनके पास होती है ना दोपहर को तो फिर उन्हें कुछ काम करने नहीं देती अच्छा ये बिल्कुल टमाटर पेस्ट जो है ये अपना ऑयल छोड़ चुके थे तो फिर मैंने इसमें वो जो चिकन थे वो डाले फिर मैंने एक रेडी टू कुक जो चिकन कढ़ाई मसाला होता है वो मैंने इसमें डाला और फिर ये रेडी हो गया फिर मैंने इसमें कुछ हरी मिर्च डाले और ऊपर से काली मिर्च थोड़ी सी डाली थोड़ा सा गरम मसाला बस ये रेडी है होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़